तो फैस्टो कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं निपोश के लेक्चर से बना रही हूँ, थोड़े दिन अभी निपोश के ही हम वीडियोस बना रहे हैं। तो ये मेरा निपोश की सीरीज में अगला वीडियो है और मैं इसका वेबसाइट का इंट्रोडक्शन दे रही थी। ये वेबसाइट भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव वेबसाइट है, काफ़ी लंबी वेबसाइट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम एक एक करके सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। पुराने लेक्चर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। तो पुराने लेक्चर्स में हमने जो है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, हमने निपोश का वेबसाइट खोला था, दैट इज़ www.nibosh.org.uk। ये वेबसाइट पे हमें जाना है और मैंने यही ओपन कर रखा। इसमें हम अबाउट सेक्शन पूरा देख चुके हैं, गाइडेंस में हमने लर्नर्स तक देख लिया था, गाइडेंस में हमने गाइडेंस फॉर लर्निंग विद निपोश देख रहे थे, और इसमें हमने वेयर टू स्टडी पूरा देख लिया था। अब हम चूजिंग अ लर्निंग पार्टनर इसमें हम देखें, चूजिंग अ लर्निंग पार्टनर भी हम इसमें देख चुके हैं। अब इसमें हम अगली चीज देखें, तो हम गाइडेंस सेक्शन में लर्नर्स में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स फॉर निपोश क्वालिफिकेशन से वो हम अभी देख रहे हैं। अब हम देखते हैं ये क्या, तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जनरली लैंग्वेज जो है, द फॉलोइंग गाइडेंसेस रिलेटेड टू क्वालिफिकेशंस व्हिच आर डिलीवर्ड एंड असेस्ड इन इंग्लिश। अगर हम बात करें तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज निपोश की सर्टिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस, डिप्लोमा के लिए जनरली वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है, यस इट्स इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन सम निपोश क्वालिफिकेशंस आर आल्सो अवेलेबल इन एडिशनल लैंग्वेज। द वेब पेज फॉर योर चूजन क्वालिफिकेशन विल लिस्ट एनी लैंग्वेज ऑप्शंस अवेलेबल। तो हम ये फॉर अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशंस निपोश रिकमेंड्स दैट लर्नर शुड रीच अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इक्विवेलेंट टू इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम स्कोर ऑफ 5 और हायर इन आईलेट्स टेस्ट। हम अगर बात करें तो जनरली लैंग्वेज जो निपोश का है वो इंग्लिश है, हाउएवर कुछ एडिशनल लैंग्वेजेस भी अवेलेबल है निपोश की क्वालिफिकेशंस के लिए। लेकिन अगर हमको अवार्ड लेवल सर्टिफिकेशन चाहिए तो हमें इंग्लिश में एटलीस्ट आईलेट्स का जो एग्ज़ाम होता है, आईलेट्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम। तो आईलेट्स की अगर बात करें, आईलेट्स वो होता है अगर किसी को बाहर जाना हो पढ़ने के लिए या फॉरेन कंट्रीज़ में जाना हो इंडिया के लोगों को, तो उन्हें आईलेट देना पड़ता है, एक एग्ज़ाम होता है जो ये बताता है कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। तो अगर आपको अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब आपको क्वालिफिकेशन में कोई अवार्ड इस तरह के आपके मार्क्स हो, तो आपका आईलेट का स्कोर 5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको सर्टिफिकेट लेवल का क्वालिफिकेशन करना है तो आपका आईलेट्स का स्कोर 6 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको डिप्लोमा लेवल का क्वालिफिकेशन करना है, आईलेट्स का स्कोर 7 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम एक बार चेक करते हैं, ये अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशन पर मैंने क्लिक करा है, तो ये देखते हैं अवार्ड्स की बात करते हैं। निपोश अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन टू अदर निपोश क्वालिफिकेशन। मतलब क्या है, निपोश का जो अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशन है वो क्या करता है, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है हेल्थ और सेफ्टी के प्रिंसिपल्स में, और आपको एक अच्छी तरह से निपोश का क्वालिफिकेशन इंट्रोडक्शन देता है। हम इस पर क्लिक करके देखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क क्वालिफिकेशन। तो अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आपको, तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है जो निपोश प्रोवाइड करता है जो कि अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशन में आते हैं, जिसके लिए आपका आईलेट्स स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो ये वो क्वालिफिकेशन से हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क क्वालिफिकेशन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एट वर्क क्वालिफिकेशन, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट इन द प्रोसेस इंडस्ट्रीज क्वालिफिकेशन, निपोश HSE इंट्रोडक्शन टू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन वर्किंग विद वेलबिंग, निपोश HSE अवार्ड इन मैनेजिंग रिस्क एंड रिस्क असेसमेंट एंड वर्क। तो ये वो अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशन है जो कि निपोश प्रोवाइड करता है, और ताकि निपोश की परफेक्ट आपको इंट्रोडक्शन हो सके, राइट। अब इसमें हम अगली चीज़ देखते हैं, फिर इसमें हम आते हैं सर्टिफिकेट लेवल क्वालिफिकेशन। सर्टिफिकेट लेवल क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये निपोश के सर्टिफिकेट से, निपोश सर्टिफिकेट लेवल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड एन एक्सीलेंट फाउंडेशन इन हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड पीपल स्टार्टिंग आउट ऑन अ कैरियर इन हेल्थ एंड सेफ्टी। ये कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो कि निपोश प्रोवाइड करता है, किन लोगों के लिए, स्पेशली मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स या फिर जो अपना कैरियर हेल्थ सेफ्टी में बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं। कुछ नेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी जिसे हम जनरली IGC बोलते हैं, निपोश HSE सर्टिफिकेट इन प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, निपोश HSE सर्टिफिकेट इन हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप एक्सीलेंस, फिर नेशनल सर्टिफिकेट इन द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग एट वर्क, इंटरनेशनल टेक्निकल सर्टिफिकेट इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशनल सेफ्टी,
सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन यूके एंड सर्टिफिकेट इन फायर एंड सेफ्टी। फिर इसमें हम जाते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में, डिप्लोमा लेवल क्वालिफिकेशंस। तो ये डिप्लोमाज हैं, लिबर्स डिप्लोमाज आर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रैक्टिशनर्स। जो HSC के प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो डिप्लोमा की तरफ जा सकते हैं। इसके डिप्लोमा कोर्सेस है नेशनल डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, द नेशनल डिप्लोमा फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, देन इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल। फिर ये कुछ मास्टर्स कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, लर्निंग एट मास्टर्स लेवल इन पार्टनरशिप विद द यूनिवर्सिटी ऑफ हल। यूनिवर्सिटी ऑफ हल के साथ ये मास्टर लेवल पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, ओपन टू ऑल निबोस डिप्लोमा होल्डर्स हु आर लुकिंग टू फर्दर देयर लर्निंग इन HSC मैनेजमेंट। निबोस के डिप्लोमा होल्डर्स भी वाला कोर्स कर सकते हैं, निबोस के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ही ये कोर्स ओपन है, निबोस मास्टर ऑफ साइंस दैट इज MSc डिग्रीज एंड निबोस मास्टर ऑफ रिसर्च MRhD। अभी हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आगे देखते हैं। फिर मैंने इस पर क्लिक किया था IELTS की वेबसाइट पर, तो हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, ये है IELTS की वेबसाइट, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द IELTS स्कोर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं On the IELTS test report form, you will find the overall band score and the results your students achieved in each part of the test. ये हम IELTS के बारे में ऐसे जानकारी देख सकते हैं, राइट। हम जैसे 5, 6 और 7 देखते हैं, बैंड 5 क्योंकि हमने वहाँ पे क्वालिफिकेशन में देखा था, बैंड 5 मतलब मॉडेस्ट यूजर के लिए आता है, यू हैव अ पार्शियल कमांड ऑफ द लैंग्वेज एंड कोप विद ओवरऑल मीनिंग इन मोस्ट सिचुएशंस, ऑल्दो यू आर लाइकली टू मेक मैनी मिस्टेक्स, यू शुड बी एबल टू हैंडल बेसिक कम्युनिकेशन इन योर ओल्ड फील्ड। तो हमने अभी देखा था कि अगर निबोस की, हमने देखा था अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशन के लिए आपका IELTS स्कोर 5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब 5 स्कोर में मॉडेस्ट यूजर माना जाता है, बैंड 6 में कॉम्पिटेंट यूजर माना जाता है। अगर आपका IELTS का स्कोर 6 है तो आप कॉम्पिटेंट यूजर कहलाते हो। कॉम्पिटेंट यूजर मतलब जनरली यू हैव एन इफेक्टिव कमांड ऑफ द लैंग्वेज डिस्पाइट सम इनएक्यूरेसीज, इनअप्रोप्रिएट यूजेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यू कैन यूज एंड अंडरस्टैंड फेयरली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पर्टिकुलर इन फैमिलियर सिचुएशंस। मतलब अगर आपका IELTS का स्कोर 6 है तो इसका मतलब ये है कि आपको इफेक्टिव कमांड लैंग्वेज पे, हालांकि कुछ इनएक्यूरेसी है, कुछ गड़बड़ी है थोड़ी बहुत, कुछ यूजेज गलत है, कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर फिर भी एक लैंग्वेज की आपको समझ है, पकड़ है, फैमिलियर हो आप उससे। फिर बैंड 7 मतलब अगर आपका IELTS स्कोर 7 है तो आप गुड यूजर हैं। You have an operational command of the language, though which occasional inaccuracies, inappropriate usage and misunderstandings in some situations. Generally, you handle complex language well and understand detailed reasoning. मतलब आपके पास operational command इस language की अच्छी खासी command है। हाँ, कुछ कभी कभी कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ understandings, misunderstandings कभी कभी है कुछ situation में, बाकी generally complex form हो language का तो भी आप आराम से handle कर लेते हो और डिटेल्ड रीजनिंग भी आराम से आप समझ लेते हो, कर लेते हो। तो हमारे काम के 5, 6, 7 बैंड थे क्योंकि हमें 5, 6 और 7 की बात की गई थी यहाँ पे लैंग्वेज में, और उसके ऊपर के लेवल, उसके ऊपर 2 लेवल्स और है, 8 और 9। 8 है वेरी गुड यूजर और 9 एक्सपर्ट। वेरी गुड यूजर में यू हैव अ फुल ऑपरेशनल कमांड ऑफ द लैंग्वेज विथ ओनली ओकेशनल unsystematic inaccuracies and inappropriate usage. You may misunderstand some things in unfamiliar situations. You handle complex detailed argumentation well. मतलब fully operational command language का और बहुत कम कुछ inaccuracy या बहुत कम बार usage गलत होता है, कभी कभी ही ऐसा होता है कि misunderstand कर पाते situation को, बाकी detailed argumentation आराम से complex level का आप handle कर सकते। फिर band 9 मतलब IELTS score का, IELTS exam का score 9 है तो expert user है। मतलब you have a full operational command of the language. Your use of English is appropriate, accurate and fluent and you show complete understanding. मतलब आपके पास लैंग्वेज का फुल कमांड है और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, एक्यूरेट है, आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोल लेते हैं और आपको इसकी पूरी तरह से पकड़ है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो ये बैंड 0 से शुरू होके 9 तक के स्कोर से IELTS के, तो मिनिमम जो स्कोर रखा है यहाँ पे बात करते, तो अवार्ड लेवल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट लेवल क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा लेवल क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम स्कोर 5 से ही बात कर रहे हैं, स्कोर ऑफ 5 और हाइयर, स्कोर ऑफ 6 और हाइयर, स्कोर ऑफ 6 और हाइयर और स्कोर ऑफ 7 और हाइयर। मतलब 5 से कम अगर आपका IELTS का स्कोर है तो आप निबोस के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ये कह सकते हैं हम एक तरह से। तो हम देखते हैं 5 से कम बैंड 0 है। बैंड 0 मतलब IELTS का स्कोर अगर 0 है तो डिड नॉट अटेम्प्ट द टेस्ट। अगर IELTS का स्कोर 1 है, बैंड 1 है तो नॉन यूजर हो, बैंड 2 है तो इंटरमीडिएट यूजर हो, बैंड 3 है तो एक्सट्रीमली लिमिटेड यूजर हो, और बैंड 4 है तो लिमिटेड यूजर हो।
बैंड 5 मॉडेस्ट यूजर, मतलब जब तक मॉडेस्ट की टर्म्स में नहीं आते हैं तब तक वी आर नॉट एलिजिबल टू गिव निवॉश एग्जाम। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास भी कई लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बातचीत होती रहती है इस विषय में, तो मैं लोगों से, लोग यही पूछते हैं कि हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो क्या हम निवॉश क्लियर कर पाएंगे। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि इंग्लिश अच्छा नहीं होने से कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि निवॉश का पेपर इंग्लिश में आता है। आपको निवॉश के लेक्चर्स, पढ़ाई, आप जिस भी लर्नर के साथ टच में हैं वो आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करवा देगा, उस कोर्स की, उस सर्टिफिकेट की, वट एवर बी द थिंग्स, वो कोर्स मटेरियल आपका इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन आपको पढ़ाई उसकी वो लोकल लैंग्वेज में हो जाएगी। लाइक अगर आप तमिल है तो आपको तमिल लैंग्वेज में पढ़ाई मिल जाएगी, तेलुगु है तो तेलुगु में पढ़ाई मिल जाएगी, गुजराती है तो गुजराती में भी आपको पढ़ाई करवा दी जाएगी, लेकिन जो पेपर आता है वो तो इंग्लिश में ही आता है ना, तो आपको जो है लिखना इंग्लिश में ही रहेगा, और वो पूरा एक सीन समझना, केस समझना, क्वेश्चन समझना, फिर उसका आंसर लिखना, और वो भी इतने अच्छे से लिखना कि आप उस एग्ज़ाम को या उस सर्टिफिकेट को आप क्वालिफाई कर पाए, उस असेसमेंट को आप क्वालिफाई कर पाए, उसके लिए इंग्लिश का होल्ड ज़रूरी। तो अगर इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पहले उस पर वर्क करिएगा, फिर निवॉश के सर्टिफिकेट्स, कोर्स, क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा कोर्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू, उस पर अप्लाई करिएगा। क्योंकि अगर इंग्लिश की पकड़ कम है तो फिर निवॉश के सर्टिफिकेट्स या रैंकिंग्स अच्छी नहीं मिलेगी। असेसमेंट हो सकता है आप क्लियर भी कर ले तो उसे पासिंग नंबर से आए, हो सकता है वो भी ना आए, तो वो एक तरह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज सब कहला देगा। तो इसमें हम ये भी देखते हैं, ब्रिटिश काउंसिल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेन द आईलेट्स स्कोर, आईलेट्स इन CEFR स्केल। CEFR क्या है? कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस। तो ये भी एक है, मतलब यूरोपियन जो लोग हैं, यूरोप की काउंसिल जो है, उनकी तरफ से ये स्कोर है। अगर आप A1 और A2 है तो बेसिक यूजर्स आएंगे, B1 और B2 है तो इंडिपेंडेंट यूजर में आएंगे, और C1 और C2 है तो प्रोफिशिएंट यूजर में आएंगे। और अगर हम बात करें आईलेट्स की, तो आईलेट्स के स्कोर्स को अगर मैच करा जाए तो ये है, आईलेट्स का 4 स्कोर यहाँ पर आता है बाउंड्री पे, 4.55। तो ये B1, B2, C1, C2 कैटेगरी जो है ये वाली, ये आईलेट्स के स्कोर से मैच करती है, मतलब अगर हम बात करें तो आईलेट्स के स्कोर से अगर हम कंपेयर करें तो आईलेट्स का जो मॉडेस्ट यूज़र वाला है 5, वो यहाँ B1 कैटेगरी में आ रहा है, जो 6 स्कोर है उसका वो यहाँ B2 कैटेगरी में आ रहा है, जो 7 है वो C1 में आ रहा है, 8 जो है C1 की लाइन में है, और 9 जो है वो C2 में आ रहा है। मतलब आईलेट्स स्कोर, CEFR स्कोर अगर मैच करना चाहें तो CEFR स्कोर के B1 रेटिंग से, या फिर हम कह सकते हैं B2 रेटिंग से लेके हम आ जाते हैं इसमें, राइट। B1 से C2 रेटिंग तक के लोग अगर जो है वो CEFR रेटिंग में जो है वो आईलेट्स के स्कोर के हिसाब से हम देख सकते हैं, तो वो लोग इसमें आ सकते हैं। फिर इसमें अगला था आईलेट्स कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क। तो ये एक वेबसाइट खुलेगा जिसमें ये रहेगा कि आईलेट्स क्या है, वो कैसे दे सकते हैं टेस्ट, इसके बारे में जानकारी। फिर ये था लर्नर्स विशिंग टू एक्सेस देयर ओन लैंग्वेज एक्सपर्टाइज में कंसल्ट द FAQs ऑन द आईलेट्स वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन टेकिंग द टेस्ट। तो ये FAQs है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आईलेट्स की वेबसाइट के हैं, तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं। तो होप आपको मेरा आज का लेक्चर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स फॉर निवॉश लर्नर्स क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल फैशनी कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और इसको कमेंट्स कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।